इंडियन कार मेकर कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा की 7 सीटर एसयूवी महिंद्रा एक्सयूवी 7 डबल अब टेस्टिंग के आखिरी पेज पर है। नई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी अगले महीने यानी जुलाई 2021 में इस कार से पर्दा उठा सकती है। इसके कुछ ही समय बाद कंपनी से लॉन्च कर देगी। तो हे गाइस, मेरा नाम है साहिल और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिएगा और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं कि महिंद्रा एक्सयूवी 7 डबल ओ पोर्टफोलियो में कहां स्टैंड करती है। नई एसयूवी महिंद्रा एक्सयूवी 7 डबल ओ कंपनी के पोर्टफोलियो में मौजूदा फ्लैगशिप मॉडल महिंद्रा एल्टोरस G4 एसयूवी के नीचे रखी जाएगी। अगर एक्सयूवी 5 डबल ओ का प्रोडक्शन जारी रहता है तो महिंद्रा की आने वाली एक्सयूवी 7 डबल ओ एक्सयूवी को एसयूवी 5 डबल ओ के ऊपर रखेगी। वाहन निर्माता ने हाल ही में इस एसयूवी के नाम का खुलासा करते हुए एक वीडियो जारी किया था जिसमें उन्होंने इस एसयूवी के निर्माण में लगी युवा टीम के जुनून की तारीफ की और इस एसयूवी को एक्सयूवी 7 डबल ओ कहकर पुकारा, न कि 700 नंबर के जैसे। अब बात करते हैं इस एसयूवी के फीचर्स के बारे में। इसमें इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और एडवांस ड्राइवर असिस्ट सिस्टम ADAS जैसे फीचर्स देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा बेहतर सुरक्षा के लिए कंपनी इसमें 6 एयरबैग्स, ABS के साथ EBD, ISO, FIX, चाइल्ड सीट माउंट के साथ 4 डिस्क ब्रेक दे सकती है। खुफिया तस्वीरों और रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें LED डे टाइम रनिंग लाइट्स, फुल LED हेडलाइट्स, नया बड़ा ग्रिल, स्पोर्टी अलॉय व्हील और नई हॉरिजॉन्टल माउंटेड LED टेल लाइट्स दी जा सकती है। इसके अलावा इसमें ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, सनरूफ जैसे फीचर्स देखने को मिल सकते हैं। इसके केबिन में मर्सिडीज बेंज के स्टाइल वाली सिंगल यूनिट स्क्रीन दी जा सकती है जिसमें स्प्लिट इंफोटेनमेंट सिस्टम और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा। अब बात करते हैं इसके इंजन और इसके पावर की। महिंद्रा एक्सयूवी 7 डबल ओ में डीजल और पेट्रोल दोनों तरह के इंजन ऑप्शन मिलेंगे। डीजल मॉडल में 2.2 लीटर 4 सिलेंडर M-Hawk इंजन दिया गया है। यह इंजन 185 HP का पावर जनरेट करेगा जबकि इसमें पेट्रोल मॉडल में 2 लीटर इंजन मिलेगा जो 190 HP का पावर जनरेट करता है। इसके साथ ही ये SUV 6-speed मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑप्शंस के साथ आएगी। XUV 7WO के टॉप स्पेक वेरिएंट को ऑल व्हील ड्राइव AWD दिया गया है। बात करते हैं इसके राइवल्स की तो महिंद्रा XUV 7WO की टक्कर टाटा सफारी, MG हेक्टर प्लस और Hyundai Elcazar जैसी कारों से होगी। और बात करें अगर इसके प्राइसिंग की तो इस कार को 15 लाख की रेंज में लॉन्च किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कुछ पूछना हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।